प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 1 माता कांचल के अभ्यास प्रश्न में अभ्यास प्रश्न नंबर 2 से आगे के प्रश्न उत्तर करें। अभ्यास प्रश्न नंबर 2 क्या है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता था? हमारे विचार से भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने कूदने और नाना प्रकार की शरारतें करने में बड़ा आनंद मिलता था। उन्हीं बाल सखाओं को सामने देखकर उसका मन उनके साथ मस्ती करने को मचलने लगता है। इसी कारण वह शिक्षकना भूलकर बाल मंडली में शामिल हो जाता है। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए, इसे आप स्वयं ही करेंगे। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे। उनके खेल और खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी। वे बच्चे टूटी फूटी वस्तुओं, मिट्टी, ढेलों, घास फूस आदि से ही अपनी खेल सामग्री सजा लेते थे। झुंड बनाकर गलियों में उछल कूद करना, लोगों को चिढ़ाना, हलवाई की दुकान सजाना, बारात निकालना, खेती करना, चिड़ियों के पीछे भागना आदि उनके खेल थे। आज तो हमारे खेल और खेल सामग्री पूरी तरह बदल चुकी है। बच्चों को झुंड में पाना ही कठिन हो गया है। आज के बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, गेंद बल्ला आदि से खेलते हैं। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, रिमोट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन मोबाइल है। भोलानाथ की तरह गली में नंगदड़ंग घूमने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
आज के शहरी बच्चों के बचपन में उस मस्ती और आज़ादी का नामो निशान भी नहीं दिखाई देता है। इस तरह से आज की ऑनलाइन क्लास में हमने 3 प्रश्नों को किया। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं, 3 नंबर के प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।